अभी हम थ्रोट कर रहे हैं ना, थ्रोट इज अनदर इम्पोर्टेंट चक्रा। थ्रोट में इमोशंस अगर मैं बताऊं तो थ्रोट का जो इमोशन है मेजरली वो वरी होता है। हाय मेरा बच्चा क्या करेगा, हाय मेरे पापा मम्मी क्या करेंगे, ऑल काइंड्स ऑफ वरी। और स्ट्रेस तो देखो हर चक्र में होता है। ओके, सो दिस चक्र गेट्स कंजेस्टेड और इट जस्ट गेट्स स्टक व्हेन यू कीप ऑन वरीइंग अबाउट समथिंग, कंटिन्यूअस वरी, वो मैल फंक्शन हो जाता है इस चक्र में। ओके, थ्रोट द कलर यू कैन सी इट्स ब्लूइश कलर, बट इसका जो है मेजर फंक्शन क्या क्या है? मेजर फंक्शन इज अच्छा वॉइस देना, ठीक है, एंड अपना एक्सप्रेशन। हम किस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? वॉइस के थ्रू, मेजरली वॉइस के थ्रू। तो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है, विच क्रिएट्स, विच डजंट अलाउ टू सेक्रीट हॉर्मोन्स। इसका कौन सा हॉर्मोन है? थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, वो इफ यू सी बटरफ्लाई की तरह होता है, आप वो फंक्शन करना बंद कर देता है। बेसिकली सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो कमांड देते हैं हमारे पिट्यूटरी को, इसकी अजना जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये अगले अगले क्लास में मास्टर ग्लैंड कवर करेंगे हम। जब मास्टर ग्लैंड को ये कमांड देता है कि भाई अब तू ना टी सेल्स ज्यादा बना ले, तो जब टी सेल्स ज्यादा बनाता है तो क्या होता है? थायराइड बड़ा हुआ, हाइपोथायराइड हो जाता है। और कभी ये कमांड दे देते हैं कि भाई मेरे से ना इतना फंक्शन नहीं हो रहा है, मैं ना कम ही बनाऊंगा, तो टी सेल्स कम बना ले, मेरे से नहीं काम हो रहा है इतना, अब थक गया हूं। तो क्या करेगा? टी सेल्स कम बनाएगा तो हाइपरथायरॉइड, वो कम वाला जो थायराइड होता है वो हो जाए। सो या ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम है। और हम लड़कियों को तो 365 डेज हॉर्मोनल प्रॉब्लम होती रहती है ना। सो दिस चक्रा कनेक्ट्स विद मेनी थिंग्स, लिम्फैटिक सिस्टम। कभी गूगल करके देखना लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है, पढ़ना उसके बारे में। उसमें जो फ्लूइड है अगर उसकी कमी हो गई तो बॉडी सर्वनाश हो जाएगी। बहुत डिसीजेस आते हैं जो हमें पता नहीं होता। ओके, वो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। थ्रोट चक्र कमांड करते हैं, थ्रोट चक्र, थायराइड, पैराथायराइड, ऑल द जॉ। जॉ में क्या क्या आ जाता है? आपका डेंचर, पूरा ये वाला, इसमें भी होता है जॉ माइनर भी होता है, बट हम अभी वो नहीं कवर कर रहे हैं। ये पूरा एरिया, माउथ, माउथ अल्सर, सलाइवा ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे व्हेनेवर यू हील, स्पेशली जो पिछली बार मैंने जो सिखाया विद द नाइफ, जब भी आप वो नाइफ से हील करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, कैरेटेड आर्टरीज यहां से जाती है हमारे साइड से, इसमें कभी भी वो नाइफ नहीं चलानी है, मर जाएगा इंसान। ये आर्टरीज के थ्रू हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है। थोड़ा बहुत फिजिकल एनाटॉमी पढ़ लेना, हीलर बनना है तो सिर्फ मिस्टिक हीलर नहीं होते हैं कि हाँ मेरे को एंजल दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। सॉरी, लेट्स बी प्रैक्टिकल। हम फिजिकल बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं, हम किसी भगवान की हीलिंग नहीं कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं तो फिजिकली आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। मैंने पिछले क्लास में, इस क्लास में नहीं, नंदिनी जी, मैंने इंट्यूटिव क्लास में आपको एक बुक दिया था, है ना, नर्स जो पढ़ती है फिजिकल एनाटॉमी, वो खरीदो, उसमें सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में लिखा है। आई पर्सनली रीड इट जब भी हीलिंग करती हूँ किसी भी चीज का, तभी हीलिंग सही होती है। ओके, मैम ग्रुप में भी डाल दो बुक को, बुक को एक मिनट होल्ड करो।
Yes, ma'am. दिख रहे हैं। ये वाली बुक है, ये आप में से जिसको भी अच्छा हीलर बनना है, अगर हीलिंग एज अ प्रोफेशन लेना है तो प्लीज ये ले लेना। मैम इसके ये पिन नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, इसको बुक को डाल सकते हैं पिक लेके। कुछ नहीं करेगा राहुल, छोड़ देना, मैं बाकी को बढ़ा रही हूँ। ले लेगा, सच में ले लेगा। मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगी। वैसे सिर्फ ये नाम लिखो ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस, आपको अमेज़न में मिलेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्सेस फॉर नर्सेस, नर्स पढ़ती है ये। ओके जी मैम। So, thyroid, parathyroid, lymphatic system, areas body which governs is thyroid, throat, ट्रैकिया इधर होता है, नेक, वर्टिब्रे पीछे ये वाला, ओके, माउथ, टीथ, गम्स, ईसोफेगस यहां से शुरू होता है सामने से। कभी कभार जिसका सिवियर एसिडिटी होता है उसको जब आप हील करोगे तो आपको ईसोफेगस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो बुलबुले जो होते हैं एसिड वाले, हमारे बॉडी में दो तरीके के केमिकल होते हैं, एसिड एंड अल्कलाइन। ओके, जब एसिड बढ़ जाता है विच क्रिएट्स एसिडिटी, अल्कलाइन चाहिए होता हमारे बॉडी में, इसीलिए लोग कहते हैं कि हरे क्या खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो उससे अल्कलाइन बढ़ता है हमारी बॉडी में। तो ईसोफेगस तक कभी कभार पहुंच जाता है जब एसिडिक होता है, तो वहां से हीलिंग करनी पड़ती है। पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड विच इज ऑल्सो अ मास्टर ग्लैंड, या इस ग्लैंड के बारे में हम अगली बार डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्रोट चक्रा, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। अगर आप में से कोई मेरा अगर थ्रोट चक्रा अभी स्कैन करेगा तो इट विल बी लार्ज, व्हाई? बिकॉज अभी मैं बात टॉकिंग बात कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, वो अभी प्रोसेस में है। तो अगर आप में से कोई ये बोलेगा कि आपका तो थ्रोट चक्र अभी श्रिंक हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। जब जो चक्र एक्शन में होता है वो बड़ा होता है, और अगर वो चक्र कमजोर है तो मेरे से ढंग से बात नहीं हो पाएगा, राइट? Communication, whether it's verbal or non-verbal, external or internal, any kind of communication. Now, this chakra, agar spiritually bolun, to isko bolte abyss. Abyss means which connects to the higher realm. Dekhe, hamara jo, wo bolte na siddhi, siddhis jo prapt karti hain, wo har ek chakra se aap siddhi prapt karte hain. थ्रोट चक्र से भी एक अलग तरीके की सिद्धियां प्राप्त होती है, हाँ? तो विच गिव्स यू मेनी इंट्यूटिव पावर्स, ओके, इट गिव यू मेनी आइडियाज, इट गिव यू मेनी काइंड ऑफ क्रिएटिव थिंग्स टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, राइट? यही से आपका जो है अपर चक्र, वैसे भी सोलर प्लेक्सस से ऊपर से आपका अपर चक्र शुरू हो जाते हैं, जो हमें हर एक सिद्धि देना शुरू कर देते हैं।